वेलकम टू माय चैनल जनरेटर वाला। आप सभी होली की बहुत शुभकामनाएं। तो आज हमने दो जनरेटर लाए, होंडा ईबी के 2000 पेट्रोल केरोसिन वाला जनरेटर है ये आपका, और इसी बगल में है ये पेट्रोल, सिर्फ ये पेट्रोल चलने वाला जनरेटर ईबी 2000। इन दोनों के कंपैरिजन के बताएं कंपैरिजन करके बताएंगे और इस वीडियो में आप देखिएगा। ये देखिए आप, ये पेट्रोल और केरोसिन वाला जनरेटर है ईबी के 2000, और ये आपका ईबी 2000 है। देखें इसे पेट्रोल चलता है, ये पेट्रोल जनरेटर है और ये केरोसिन और पेट्रोल जनरेटर है। पेट्रोल जनरेटर बारे में बताते हैं आपको, तो ये पेट्रोल का जनरेटर है। तो अगर जैसे कभी भी स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें कभी आपको ओवरफ्लो नहीं निकालना रहता है। सिर्फ इसको ऑन किया, आप चौक लीजिए, ऑन कीजिए, स्टार्ट कर लीजिए। और जैसे कभी अगर दिक्कत करता भी तो इसमें टी लगी है ओवरफ्लो वाली, वो आप खोलेंगे तो सारा ओवरफ्लो निकल जाएगा। फिर आप ओवरफ्लो बंद कर, ओवरफ्लो टी बंद कर दिए और फिर स्टार्ट करिए, स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको पेट्रोल केरोसिन निकाल जाने से आपको स्टार्ट करना, चलाना है, बस ऑन करना है, पंप ऑन करना है, और यहाँ से टी ऑन करना और स्टार्ट करना है चौक लगा के, और कुछ नहीं करना था। और इसकी पावर भी सेम है, इन दोनों पावर सेम है दोनों जनरेटर की। अब आते हैं केरोसिन पेट्रोल जनरेटर में, तो इसमें आपको क्या करना था, ये पेट्रोल से स्टार्ट होता है, केरोसिन चलता है। पेट्रोल जन पहले आपको पेट्रोल अगर केरोसिन चलाना तो आपको यहाँ से ओवरफ्लो निकालना पड़ता है यहाँ से, और स्टार्ट करने के लिए चोक लगानी पड़ती है, और ये स्टार्ट पे लाना पड़ता है पेट्रोल के लिए, फिर इसको रनिंग पे लाना पड़ता है मिट्टी तेल के लिए, केरोसिन के लिए। तो इसमें आपको तीन चार काम करने पड़ते हैं, और इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पेट्रोल डालना है, टी ऑन करनी, चोक लेनी है और स्टार्ट करना है। तो इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों की पावर दोनों की सेम है, दोनों का वोल्टेज सेम, सब दोनों सब कुछ सेम है। बस ये आपका पेट्रोल चलता है, ये पेट्रोल केरोसिन दोनों चलता है। हमारे में इंजन ऐसे ही बनाया जाता है, देखिए इंजन की सफाई देख लीजिए, इंजन की क्वालिटी देख लीजिए। अब आपको कोई भी जनरेटर चाहिए, पेट्रोल वाला चाहिए, केरोसिन, दोनों जनरेटर यहाँ पर मिल जाते हैं, देख लीजिए। इसमें भी टंकी भी नहीं लगी, इसको सारा सामान नया लगा, टंकी लगी नई, नया बोर्ड लगा है, नया मीटर लगा है, सब कुछ नया, स्विच भी सब कुछ नया लगा है। इसको मैंने सर्विसिंग किया है, डेंट पेंट करके नई टंकी लगाई, इसमें भी मेरे यहाँ सारा काम नंबर वन का होता है। और देखिए होंडा का ही काम होता है, मेरे पास होंडा की टंकी है, ये देखिए होंडा के जनरेटर से ही सारा स्पेयर आता है हमारा, सारा मेरा होंडा से आता है। ये होंडा टंकी है, यही मैंने इसमें लगाई है। सारे जनरेटर स्पेयर मिल जाते हैं आपको, कोई भी जनरेटर स्पेयर चाहिए आपको। ये टंकी रखी है, ये होंडा की, ये भी है, ये भी नहीं है। कोई भी होंडा जनरेटर चाहिए, साइलेंट ओपन सब मिल जाते हैं। ये 1200 मैंने बनाया, देखिए ये ईबी के 1200 है, पेट्रोल का रेसिंग से। ये भी इंजन मैंने बनाया है, इसका आउटपुट भी 1.2 केवी है। आप कहीं भी रहते हो, इंडिया में किसी भी कोने में रहते हो, फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी रहेगी। इंजन मेरे पास सब आपको बढ़िया मिलेंगे, नए मिलेंगे, जो भी फॉल्ट होता है इंजन में, जो भी खराबी होती है उसको मैं सही कर देता हूँ। नंबर वन का सामान डलता है, नंबर एक का, कोई भी सामान हो सिर्फ नंबर एक का। होंडा का सारे पार्ट मिल जाएंगे मेरे पास, होंडा का सामान ही रखते हैं। चलिए अब स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। जनरेटर था स्टार्ट किया हमने, देखिए एक एक में स्टार्ट हो गया। अब हम केरोसिन जनरेटर स्टार्ट कर, पेट्रोल केरोसिन आज स्टार्ट कर दिखाएंगे। ये भी एक आपका एक एक में स्टार्ट हो जाता है, बस का आपको क्या करना है, ओवरफ्लो निकालना रहता है। दोनों जनरेटर सेम है, दोनों की पावर भी सेम है, बस इसमें आपको ओवरफ्लो निकालना पड़ता है, इसमें आपको कुछ नहीं, बस का आपको स्टार्ट करना रहता है बस। अगर मेरा वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।